नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। जिला मुख्यालय नाहन के साथ लगते गांव महीपुर में मिलावट खोरों द्वारा अवैध रूप से मिठाइयों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। त्योहारी सीजन होने के चलते मिलावट खोर इन दिनों सक्रिय हुए हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक्शन में है, जो लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज गांव महीपुर में सूचना मिलते ही विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहां पहुंची टीम ने बड़ी मात्रा में मिठाइयों को नष्ट भी किया, जिन्हें बनाने में फूड सेफ्टी नियमों को दरकिनार किया गया था। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर अतुल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि महीपुर गांव में मिठाइयों की अवैध रूप से फैक्ट्री चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही विभाग की टीम ने मौके पर छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री में बनाई गई मिठाइयाँ मानकों पर खरी न उतरने के बाद नष्ट करवा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान फैक्ट्री मालिक को कोई भी लाइसेंस विभाग की टीम को नहीं दिखा पाया। उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन होने के चलते मिलावटखोर सक्रिय हैं, जिन पर लगातार शिकंजा कसने के लिए विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। हमें शाम को ही एक गुप्त सूचना मिली थी कि जिसमें सूचना के आधार पर जो हमारा महीपुर का क्षेत्र है, उसमें सूचना मिली थी कि एक अवैध रूप में एक मिठाई की फैक्ट्री वहाँ पर चल रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का निर्माण हो रहा है। और तो हमने त्वरित विभाग ने त्वरित कार्रवाई की इस पे, और सुबह ही फूड सेफ्टी ऑफिसर सिरमौर सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में एक टीम जो है वो हमने कार्रवाई के लिए वहाँ पे रवाना की। तो मौके पे जाके, जैसा कि सुनील शर्मा जी ने हमें अवगत करवाया कि फैक्ट्री लगभग 11 बजे बंद थी, लेकिन उसके अंदर जो था वो कुछ जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे, तो दरवाज़ा बंद था। जैसे ही लोकल सपोर्ट, लोकल प्रधान वगैरह की और जो पड़ोसी है उनकी सपोर्ट लेके हमें दरवाज़ा खुलाया, और साथ में इनके जो ऑनर्स थे उनका भी घर कहीं पड़ोस में ही था, वहाँ से ऑनर्स को भी इंटीमेट किया। और ऑनर्स के आने पर जब दरवाज़ा खोला तो देखा तो अंदर मिठाइयों का जो निर्माण चल रहा था, तो और जो मिठाइयों की हाइजीनिक कंडीशन थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। कई मिठाइयाँ जो वो खुले में पड़ी हुई थी, कई मिठाइयाँ बहुत बासी थी, उसमें से इंसेक्ट्स, मक्खियाँ वगैरह जो थी वो मरे हुए उसमें इंसेक्ट्स थे। तो सुनील शर्मा जी ने बिना कोई वक्त गवाए सबसे पहले तो उन मिठाइयों को नष्ट करवाया, एक गड्ढा करके उन मिठाइयों को नष्ट करवाया, ताकि ये आगामी जो वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ ना हो सके प्रिवेंटिवली। और साथ ही साथ वहाँ और किस्म की जो मिठाइयाँ बन रही थी या जिनका रॉ मटेरियल पनीर वगैरह था, उनके सैंपल लिए। तो लगभग 4 सैंपल हमने आज लिफ्ट किए हैं, जिसमें एक पनीर का सैंपल है, एक मोतीचूर के लड्डू का सैंपल है, बेसन के लड्डू का, एक गुलाब रसगुल्ले का सैंपल है और एक जो है वो पेठे का सैंपल जो है वो हमने जांच के लिए लिफ्ट कर लिया है। और साथ ही क्योंकि ये फैक्ट्री बिना किसी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 चल रही थी, इनका मौके पर पंचनामा भी बनाया गया है, जिनको हम अब फर्दर एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनेगी उसके हम इसको अमल में लाएंगे। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। पावटा साहिब में गोदरेज का एक्सक्लूसिव शोरूम इनोवेशन एंड इन्वेंशन आपके लिए लेकर आया है फेस्टिवल ऑफर। गोदरेज के हर प्रोडक्ट की परचेसिंग पर है खास ऑफर। 10 साल तक की वारंटी, 1 रुपए की डाउन पेमेंट सहित दिलचस्प EMI और कैशबैक ऑफर, साथ इस फेस्टिवल सीजन का उठाए लाम। अगर आपको उठाना है फेस्टिवल ऑफर का फायदा, तो इसके लिए गोदरेज के एक्सक्लूसिव शोरूम इनोवेशन एंड इन्वेंशन जामनीवाला रोड बद्रीपुर पावटा साहिब पहुंचे। इनोवेशन एंड इन्वेंशन पर खरीदारी कर इस दिवाली रहो बेफिकर। We'll be right back.
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।